सतनाम दंडोत बंधन नकबा सर्व कला समरथ डोलन से राखो प्रभु नानक देकर कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंप के क्या लगे है मेरा काले मेंढे कपड़े काले मेंढे कपड़े काला मेंढा भेस गुन ही परया में फिरा लोग कहें दरवेश प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो ना छाए बापी पलदास गुरु सर्वन दास हरिदास गुरु जोए सो हमरी रखिया करे विघ्न न लगे तन तन सतगुरु ग्रीवदास तन तन सतगुरु ग्रीवदास बंदो नित सुआशाम चरण कवल को दंडवत कोट कोट परनहार चरण कवल को दंडवत कोट कोट परमादरणीय परम पूजनीय दीन दुखियों के मसीहा सारी कायनात को मजीठी रंग में रंगने वाले आध्यात्मिकता के शिखर पर विराजमान संतों के संत शिरोमणि संत बनारस में बैठकर सारी दुनिया को नाम की खुमारी बांटने वाले धन सतगुरु रविदास जी अंधविश्वास और पाखंडों पर चोट करने वाले भक्ति का सतमार्ग दिखाने वाले
ज्ञान की माउंट एवरेस्ट सतगुरु कबीर साहिब जी, सृष्टिकर्ता आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाला, संविधान देने वाले हिज होलीनेस द वन एंड ओनली डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहिब जी, जिन्होंने नारियों की मुक्ति के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, संपूर्ण भारत के लिए कार्य किया। और धन धन सगुर स्वामी पिपलदास जी, धन धन सगुर स्वामी श्रवणदास जी, धन धन सगुर स्वामी हरिदास जी, धन धन सगुर स्वामी गरीबदास जी, उन्हीं के स्वरूप गद्दी पर विराजमान दयालु कृपालु पूज्य गुरुदेव धन धन सगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी, हरि के भजन में जिनका लगा श्वास श्वास है, ऐसे मेरे प्यारे सत गुरु निरंजन दास हैं। मेरे प्यारे सतगुरु निरंजन दास जी, जो आज सारी संगत को दर्शन देके निहाल करने वाले हैं। आंखें जैसे रक्ष करती एक मधुशाला है, आ जाए वो होश में जो पीले एक प्याला है, रवि अंधेरी रात में चमका बिजली का प्रकाश है, ऐसे मेरे प्यारे सतगुरु निरंजन दास हैं, ऐसे मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु निरंजन निरंजन। सतगुरु जी की आंखें ऐसी हैं जैसे मधुशाला हो, मेरे सतगुरु निरंजन दास महाराज जी की आंखें ऐसी हैं जैसे कोई मैखाना हो, जिसने उन दो आंखों से पिया फिर उसके दुनिया के नशे सब छूट जाते हैं, गज के आंखों। तो गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास महाराज जी ने भी हम सबको एक ही उपदेश दिया कि भाइयों बहनों, ये जन्म मिला ही है परमात्मा का नाम लेने के लिए, परंतु दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जा तब बिके। बहुत दुर्लभ जन्म था, 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानव जन्म मिला और संतों ने कहा कि ये व्यर्थ जा रहा है। तो आज अमर शहीद श्री 108 संत रामानंद महाराज जी के नाम पर बनी है वेलफेयर सोसाइटी फगवाड़ा ने ये संत समागम कराया, इसका प्रयोजन क्या है? इसका मकसद एक ही है कि दुनिया भर के जहां सारे काम चल ही रहे हैं, वहीं अपने सतगुरुओं के लिए भी कुछ टाइम निकले, अपने सतगुरुओं की भी याद आए, अपने सतगुरुओं का मिशन भी हमारे जीवन में आए थी। तो आओ गुरु प्रेमियों, सारी संगत के चरणों में बेनते कि सारे चौंकड़ियां मार के बैठ जाओ और सबने गुरुवाणी के साथ जुड़ने की कृपालता करनी है। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा।
जन्म जन्म की काटी फासा हे रविदास मिले निज दासा कहे रविदास मिले निज दासा जन्म जन्म की जन्म जन्म काटी फासा कहे रविदास मिले निज दासा कहे रविदास मिले निज दासा। आदरणीय गुरु प्रेमियों, गुरुदास जी ने कहा कि मुझे आपका दास मिल जाए। परमात्मा जी मुझे तेरा दास मिल जाए, मुझे तेरा दास अगर कहीं मिल जाए तो मैं उसके चरणों की धूल भी अपने सर पे लगा लूं, क्योंकि उससे मेरा जीवन बदल जाएगा। कह रविदास मिले निज दासा कह रविदास मिले निज दासा मिले निज दासा मिले निज दासा मिले निज दासा मिले निज मिले निज दासा मिले निज दासा मिले निज दासा कह रवि दास मिले निज दासा कह रवि दास मिले निज दासा। जन्म जन्म की काटी फासा हे रविदास मिले निज दासा हे रविदास मिले निज दासा। गुरु प्रेमियों, आज आप सारे यहाँ फगवाड़ा में महाराज जी के सत्संग सुन रहे हो, क्यों?
बट इज द रीजन, क्या वजह है कि आप सारे आज हुम हुम आके महाराज जी के दरबार भी आए हो? एदा कोई रीजन तो होवेगा। रीजन एक ही है कि सतगुरु जी आज आपके नाम पे दरबार सजा है, आज कोई त्योहार है। इज देयर एनी ओकेजन टुडे? टुडे इज नॉट दिवाली, टुडे इज नॉट होली, टुडे इज नॉट ईद, कोई त्योहार नहीं है आज। लेकिन आज मेरे गुरुदास महाराज जी के नाम पे दरबार सजा, इससे बड़ा कोई त्योहार हो भी नहीं सकता। गज के आंखों जय गुरुदेव जी। ये त्योहारों का त्योहार है। तो गुरुदास जी ने कहा आज दिवस ले यूं बलिहारा, मैं आज के दिन पे बलिहार ही जाता हूं। क्यों? मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यारा, आज मेरे घर पे परमात्मा के प्यारे आए हैं, इसलिए मैं आज के दिन पे न्योछावर हो जाता हूँ, बलिहारी हूँ। तो गुरु प्रेमियों आज सब यहाँ पे आ गए हो आप, तो बलिहारी हो जाना है। अगर यहाँ पे भी बल ना हारे तो फिर कहीं नहीं हारोगे। आज दिन चढ़या तेरे रंग वरगा, आज जो दिन चढ़ा है वो सतगुरु जी तेरे नाम के रंग जैसा ये दिन चढ़ा है। कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा, मिले निज दासा, मिले निज दासा, मिले निज दासा, मिले निज आंगन बगड़ भवन भयो पावन, आंगन बगड़ भवन भयो पावन, आंगन बगड़ भवन भयो गावन। कह रवि, कह रवि, कह रविदास मिले निज दासा, कह रविदास मिले निज दासा। जन्म जन्म की, जन्म जन्म की प्रतिभा, रविदास मिले निज दासा, रविदास मिले निज दासा। चरण पखारू करू दंडोत और चरण पखारू, तन मन धन संतन
सगुरु कबीर साहब महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेवन, स्वर्ग किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं, बहिष्ट किसे कहते हैं, दोजक किसे कहते हैं, जरा बताइए तो। कह कबीर एक कहिए काहे सात सगत बैकुंठे आहे। सगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, बैकुंठ कहते किसे हैं, जहां पे सत्संग हो, जहां पे संतों की वाणी गूंजे, तो समझ लेना वो स्वर्ग ही है। गज के आखो, आज आप दुनिया के लिए बैठे होंगे हदियाबाद फगवाड़ा में, आप दुनिया के लिए बैठे होंगे पंजाब के किसी शहर में, लेकिन संतों से पूछो तो वो कहेंगे आज आप स्वर्ग में ही बैठे हो। इससे भला और क्या स्वर्ग होगा कि मेरे गुरुविदास जी की वाणी जहां गूंजती हो वो जगह पवित्र है। आंगन बगड़े भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरि यस गावन। आज परमात्मा के प्यारे परमात्मा के नाम का जस गा रहे हैं। करू दंडोत और चरण पखारू, तन मन धन
संतन परवार। आज मैं संतों को दंडवत करता हूँ। दंडवत का मतलब होता है दंडवत, डंडे जैसा हो जाना। जब शरीर के आठ अंग धरती को छू रहे हों तो उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। मैं अपने गुरु को देखता हूँ तो दंडे की तरह नीचे जमीन पे बिछ जाता हूँ कि मेरे सतगुरु जी आ रहे हैं। इसको दंडवत वंदना कहते हैं। गुरुदास जी ने कहा, दंडवत वंदना करनी हो तो संतों की करना। करूं दंडवत और चरण पखारूं, संतों के चरणों को मैं धो रहा हूं। तन मन धन संतन परवार। तन भी संतों का, मन भी और धन भी। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तेरे तोरण को तारे। संत जन कथा सुनाते हैं परमात्मा के नाम की और उसका अर्थ भी बताते हैं। अब गुरुदास महाराज जी ने जो बातें कही, गुरु प्रेमियों सुन के, बनारस में बैठ के बातें कही, संस्कृत में नहीं बोला। गुरुदास जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टीवी है वो जनतक है। जनतक टीवी, काशी टीवी। जनतक का मतलब होता है जो दुनिया का हो, जो जन जन का हो, जो लोगों तक पहुंचा हो वो जनतक है। गुरुदास जी जिस वाणी का इस्तेमाल करते हैं उसमें उर्दू भी है, उसमें पंजाबी भी है, उसमें फारसी भी है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें अवधी भी है, उसमें ब्रज भी है, और सारी भाषा को मिलके बनती है सधुकड़ी भाषा। तो गुरुदास जी जिस भाषा में हमें समझा रहे हैं वो उस समय की भाषा थी, ताकि लोगों के समझ में आ जाए। और गुरुदास जी ने तो कह दिया, क्या मन चंगा तो, क्या कहा जी, मन चंगा तो जिसका मन साफ हो तो उसके घर में गंगा आ जाती है। इतनी सरलता से हमें समझाया, इन्हें सौखे शब्दों में गुरुदास जी ने सानू दसिया। बट जब सानू कोई सौखी गल दसी जानी है ओदे ही चूक कर जाने। जे गुरुदास जी भी संस्कृत विच दस रहे होंदे ना, ये शाम ना विद्या ना तपना दानम ज्ञानम ना शिलम ना गुणो ना धर्मे तब मर्त लोके भी बार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, तब हम भी कहते कि वाह वाह क्या बात है। लेकिन गुरुदास जी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि मन चंगा तो कठोती में गंगा, तो बात हमारे ऊपर से चलेगी। हमें लगा अभी तो आ जाएगी, ये तो सुखी बात है। गौर कर लेना, प्रोफेसर कपूर जी कहते हैं कि जेड़ी गल समझ विच आ जावे ना, जब तुहानू दसनी पैंदी है तुसीं बहुत सौखे शब्दों विच उहनू दस सकदे। ये प्रोफेसर कपूर ने कहा, जब तुहानू कोई गल समझ नहीं आउंदी फिर तुसीं उहनू घुमा फिरा के जलेबी बना के सुणाउंदे हो। जिसको बात समझ में आ गई वो सीधी सीधी बात कह देगा, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर सो हीरा छाड़ के कर है आन की आस, तेनर दोजख जाहेंगे सत बात है। समझ आ गई थी बात तो कह दी, जिनके समझ नहीं आती तो फिर बात बनती नहीं। इसलिए गुरुदास जी ने कहा, संतों के चरणों को परसो, नमन करो संतों को। क्यों? क्योंकि संत वाणी ही नहीं समझाते, उसका अर्थ भी समझाते हैं। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। तरुवर सरवर संत जन चौथे बरसे में, परमारथ के कार में चारों पासे दे। संतों का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। संत अपने लिए नहीं लेते। संत निरंजन दास महाराज जी आज गुरुदास जी की वाणी को इस अवस्था में भी विदेशों में जाके समझा रहे हैं। उनका अपना जो जीवन है वो संगत को समर्पित हो चुका है। संत रामानंद जी, ओ जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदास महाराज जी की वाणी को फैलाने में लगा दिया। हरियाणा में जब आए तब हरियाणा में गुरुदास महाराज जी की वाणी का किसी को पता भी नहीं था। लोग अपने बनाए हुए भजन गाते थे। संत रामानंद महाराज जी, सगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी जब हरियाणा में पहली बार आए तो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी होती क्या है हमें भी पता चला। हमें पता चला कि हमारे पास तो खजाना है, असि होर कितने कितने लभदे फिरदे हैं। साडे कोल तां कोहिनूर हीरा पड़िया, पर इसकी कदर करवाने वाले भी संत हैं। आज हरियाणा में किसी भी गांव में जाओ
तो सगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी और संत रामानंद महाराज जी की याद में लोग समागम कराते हैं। क्यों? क्योंकि इन संतों ने हमें हमारे गुरुदास जी की याद कराई। जिनको हम भूलने बैठे थे उनको याद कराने वाले संत, उनको हम कैसे भूल। इसलिए गुरुदास जी ने कहा, कह रविदास मिले निज दासा, जन्म जन्म की पाटी थासा। सतगुरु जी तेरे चरणों का दास मुझे कोई मिल जाए, फिर मेरे जन्मों जन्मों की यात्रा, फिर मेरे जन्मों जन्मों की जो फांसी है वो खत्म हो। सगुन नानक देव महाराज जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जी है नाम आधार। तो संत है वही नाम का सहारा देके बंदे के दुख काटते हैं। इसलिए कहा जी क्या, कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे होरन कोता रविदास मिले निज दासा, रविदास मिले निज दासा, 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 मिले निज दासा। बोले सो निर्भय शुभ्र विलास महाराज की जय। साधु की जो ले ओट तेरे मिट है पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। गुरु प्रेमियों, साधुओं की ओट जिसने ली उसके करोड़ों जन्मों के करोड़ों करोड़ों पाप खत्म हुए। तो आओ गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा, जद कोई सुनावेगा, जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा। संत रामानंद तू बड़ा याद आवेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा। संत रामानंद तू बड़ा याद पावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा। संत रामानंद तू आमेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा। काशी जांदी ट्रेन चो जद कोई हथ नू हिलावेगा, काशी जांदी ट्रेन चो हथ कोई हथ नू हिलावेगा। संत रामा नंद तू बड़ा याद आमेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा।
छोटा महाराज कम बटे सिरे लागया, छोटा महाराज कम बटे सिरे लागया, सेवादारी हुंदी किए सानू तू सिखा गया, छोटा महाराज कम बटे सिरे लागया, छोटा महाराज कम बटे सिरे लागया। सोनपाल की जद कोई काशी लेके जावेगा, सोनपाल की जद कोई काशी लेके जावेगा, संत रामानंद तू बड़ा याद आवेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा। आदरणीय गुरु प्रेमियों, दास को सगुरु स्वामी रामानंद महाराज जी के साथ लगभग 3-4 साल व्यतीत करने का मौका मिला, तो हदियाबाद फगवाड़ा में संत श्रवण दास मॉडल स्कूल जो महाराज जी ने तन मन धन से बनवाया, तो गुरु प्रेमियों उसमें जो सेवाएं थी वो संत रामानंद जी दिन ते रात लग के वो सेवाएं निभाते थे, और कहते थे कि रवि ये शरीर जितना है गुरु की सेवा में लग जाए बहुत है, क्या पता अगली श्वास आए या ना आए। तो गुरु प्रेमियों घंटों तक जाग जाकर उन्होंने सेवाएं यहां पर निभाई, जिसकी कृपा आज हम सब ये देख रहे हैं। सेवादार हुंदी किए सानू तू सिखा गया, छोटा महाराज कम बटे सिरे लागया, छोटा महाराज कम बटे सिरे लागया। सोनपाल की जद कोई काशी लेके जावेगा, सोनपाल की जद कोई काशी लेके जावेगा, संत रामानंद तू बड़ा याद आवेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा। होया नहीं पानी कोम तेरी दाल हूँ, होया नहीं पानी कोम तेरी दाल हूँ, होया नहीं पानी। बिरथा नहीं जानी दाता तेरी कुर्बानी, कोम तेरी दाल हूँ होया नहीं पानी, होया संत रामानंद महाराज जी इस समाज को अपना तन मन धन देके गए। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि एक नॉन होलीडे वाले दिन भी गुरु महाराज जी के दरबार में सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं, क्यों? क्योंकि संतों ने तन मन धन से सेवा की। गुरु प्रेमियों, संत रामानंद महाराज जी 5 साल की उम्र में रमदासपुर से अलावलपुर अपने पिताजी के कंधे पर मेला देखने गए। 1957 की मैं बात सुना रहा हूं, सुन के जरा। 5 साल का बच्चा अपने पिता के कंधों पे मोड़ियां पे बैठ के मेला देखने गए महाराज जी अलावलपुर। 100 मेले में कभी इस दुकान पे जाएं, कभी अगली दुकान पे जाएं, कभी अगली पे। तो पिताजी ने सोचा कुछ ढूंढ रहे होंगे, कुछ खिलौना वगैरह। तो उन्होंने कहा कि राम में तू की लभदा है, क्या ढूंढ रहा है? कह रहे पिताजी तुसी मैनू रोज गुरुदास महाराज जी की गल सुनाउंदे हो,
मैं गुरु रविदास महाराज जी की फोटो लग रहा है बट स्टिल आई कांट फाइंड, मुझे मिल नहीं रही। इस दुकान पे देखी, उधर देखी, सब तरह के देवी देवताओं की फोटो है लेकिन मेरे गुरु रविदास जी की फोटो नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि बेटे अभी हमारे समाज के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, 1957 की बात कि ये गुरु रविदास महाराज जी की फोटो बनाए, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गुरु रविदास महाराज जी की फोटो खरीदे। तो गुरु प्रेमियों, सगुरु स्वामी रामानंद महाराज जी ने अपने पिताजी को कहा था कि पिताजी हुण मैनूं फिर ले चलो, मैं इस मेले दे विच करना की है। पिताजी कहने तो कुछ होर खा ले, जलेबी खा ले, कुछ होर ले ले जी। कहने नहीं पिताजी मैनूं हुण ले चलो घर। संत रामानंद जी 5 साल की उम्र में अपने पिताजी को बीच मेले में छोड़ के कंधे पे बैठ के वापिस आए, मेला बीच में ही छोड़ दिया। और संत रामानंद जी ने बात सुनाई थी कि रवि जदों मैं अपने पिताजी दे मोढ़े ते बह के वापस आ रहा सी, मैं उस टाइम सोच लिया सी कि अपनी जिंदगी में कुछ करूं ना करूं, अपनी जिंदगी में इतना जरूर करके जाऊंगा कि गुरु रविदास महाराज जी की फोटो दुनिया के हर कोने में मिला करेगी। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की। और गुरु प्रेमियों, संत रामानंद महाराज जी ने जीवन जिया भी ऐसे। आज गुरु रविदास महाराज जी की फोटो देख लो, HD में भी मिलती है, हाई क्वालिटी, जिस जैसी मर्जी रेजोल्यूशन में ले लो। क्यों? क्योंकि हमारे संतों ने गुरु रविदास महाराज जी की इंपॉर्टेंस संगत को बताई। हमें भी याद आया कि कोई हमारा गुरु है जिसकी वाणी पे लोग PhD कर रहे हैं, जिसकी वाणी पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वाणी को लोग सुन के पढ़ के अपना जीवन सफल बना रहे हैं, उसको बताने वाले मेरे प्यारे मेरे सतगुरु निरंजन दास महाराज जी, मेरे सतगुरु रामानंद महाराज जी आज हमारे बीच में होंगे। तो ये समय मत खोना जी। बच्चा बच्चा सोचनू तेरी अगे लेके जावेगा, बच्चा बच्चा सोचनू तेरी अगे लेके जावेगा। संत रामानंद तू बड़ा याद आवेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जग कोई सुनावेगा। संत रामानंद तू बड़ा याद आवेगा, गुरु रविदास दी गल जग कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जग कोई सुनावेगा। सचखंड दे जलवे न्यारे रवि तेरे सचखंड दे, नाम खजाने गुरु निरंजन दास वंड दे, नाम खजाने गुरु निरंजन दास वंड दे। जलवे न्यारे गुरु तेरे सचखंड दे, सचखंड बल्ला सचखंड बल्ला की कहन दिया गल्ला, वो सचखंड बल्ला जहां पर सिर्फ दलित समाज से नहीं सारे समाज के लिए जिस दर के दरवाजे खुले हैं, वो सचखंड बल्ला उसके जलवे ही में आ रहे हैं। वहां पर सतगुरु निरंजन दास महाराज जी नाम के खजाने बांट रहे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं आज नहीं लेंगे जी, कल ले लवांगे, अगले साल मैं नाम दान ले लूंगा, हैं जी, अगले साल मैं परमात्मा का नाम ले लूंगा, इस साल नहीं, 6 महीने मैं रुक जा फिर ले लूंगा। वसीम बरेलवी जी ने कहा एक लम्हा भी जिसकी दस तरस में नहीं वही सदियों की तैयारी करे है। हमारे बस में तो अगले पल का भी नहीं पता कि अगले पल में क्या होना है, लेकिन तैयारी हम गुरु प्यारी सत्संग जी सदियों की करते हैं। तो दास ने कहा कि कल ते ना छड़, एक कल कली नहीं आवेगा, ये कल कभी नहीं आता, कल कल कर दे सारी उम्र गुजर जानी है।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा तब। जे नाम लेना है, जे गुरु दी चरणा दे विच लगना है, तो फिर कल नहीं सोचना। चंगे कम नू कल नहीं, माड़े कम नू अज नहीं। जे दारू पीने दा मन है, तो फिर कह दो कि अज नहीं पीनी, मैं कल देखना। जे कुछ उल्टा काम माड़ा काम करन दा दिल है, तो संत कहंदे ने फिर माड़े कम नू अज ना करो, कल ते छड़ दो। की पता कल तक कोई संत मिल दे, की पता कल तक तुहाडे जिहड़े मन दा विचार है वो चेंज हो जावे। तो गुरु प्रेमियों, माड़े कम नू कदे अज नहीं, ते चंगे कम नू कदे कल नहीं। जदों कदे सत्संग विच जाणा होवे, तां फिर इह ना सोचो कि कल नू जावांगे, अज ही। कल ते ना छड़ एक कदी नहीं आवेगा, कल ते ना छड़ कल कदी नहीं आवेगा। संत रामानंद तू बड़ा याद आवेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा। संत रामानंद तू बड़ा याद आवेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा। जद कोई सुनावेगा, गुरु रविदास दी गल जद कोई सुनावेगा। बोले सो निर्भय श्री रविदास महाराज की जय। पूर्व की कमाई तने पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप तैने आगे ना बढ़ाई है, दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बगाड़ दीनो, पटियाले की लूट में जगादरी ना पाई है, पटियाले की लूट में जगादरी ना पाई है। संत रामानंद जी सुनाया करते थे, पूर्व की कमाई तेने पश्चिम में बैठकाई, पिछले जन्म की कमाई अब खा रहे हैं, आगरे की खेप तेने आगे ना बढ़ाई है। आगे का कुछ सोचा नहीं, शहरों के नाम से संतों ने पूरे अंदर की बात बताई है। दिल्ली के दलालों ने तो सोता ही बगाड़ दीनो, पटियाले की लूट में जगादरी न पाई है। दिल्ली के दलाल मतलब दिल की दलीलें, दिल कहता है कि आज नहीं सत्संग जाते कल जावांगा, दिल दलीलें देता रहता है कि उन्हें सौदा ही बगाड़ के रख दिता, पटियाले की लूट में जगादरी न पाई है। पटियाला मतलब पेट रूपी आला, असी पेट रूपी आले नु भरण विच ही लगे हुए, सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट, फिर लंच, आजकल तो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में ब्रंच भी होने लगा है, ब्रेकफास्ट और लंच का मिक्सचर, एक ब्रंच होने लगा है, फिर लंच के बाद फिर चार बजे सानू चाय भी चाहिए, फिर रात को फिर खाना। तो संत जी कह रहे हैं कि खाते ही रहोगे, पेट रूपी आड़ा भरने में लगे हो, पटियाले की लूट में जगादरी ना पाई है। पटियाले की लूट में फिर जगादरी एक जगह है अंबाला के पास, फिर वो नहीं मिलेगी। जगादरी मतलब जगह धरी, जहां परमात्मा ने जगह धरी हुई है। संगते संगोटी तो लाहौर ही लाहौर कहे, तज वैरोवार चित अमृत सर लाइए। संग साथ वाले दोस्त हो, घर परिवार वाले हो, वो तो लाहौर लाहौर कहते हैं। लाहौर का मतलब लाहौर शहर नहीं, लाहौर लाहौर। उन्हां दी कदी इच्छा मरदी नहीं, संग संगोठी जेड़े है ना, जो पत्नी होगी वो कहेगी मेरे को नया सूट चाहिए, बच्चे होंगे कहेंगे मैनू नवी बुलट चाहिए। लाहौर कितना कहोगे, जितना कमाओगे वो तो कभी भरेगा ही नहीं। लाहौर लाहौर। संगते संगोठी तो लाहौर ही लाहौर कहे,
तज बैरोवार चित अमृत सर लाइए। बैरोवार छोड़ के मन को अमृतसर में लगाओ। अमृतसर एक ये ब्यास से आगे भी है, एक अमृतसर हमारे अंदर है जहां पे परमात्मा ने परमात्मा के नाम का अमृत रख छोड़ा। चित सिमरण करो नैन अवलोकनो रसन अमृत नाम नाम पाखो मनसु मधुकर कर को चरण हृदय तरु रस। सतगुरु जी ने कहा कि मैं अपने मन को भवरा बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो रस चखना है अमृत सरोवर। अमृतसर का जो सरोवर है ना, जो भीतर हमारे सबके अंदर है वो अमृतसर, उसकी बात संत जन कहते हैं। संगते संगोटी तो लाहौर ही लाहौर कहे तज बैरोवार चित अमृत सर लाइए। नाभे वाले लोग तो पुकार ही पुकार कहे सहारण के रास्ते हरिद्वार जाइए। सहारण के रास्ते हरिद्वार जाइए। हरिद्वार जाना है तो वाया सहारनपुर होके जाना पड़ेगा। अंदर के हरिद्वार में जाना है तो संतों का सहारा रूपी सहारनपुर होके जाना पड़ेगा। गज के आंखों जय संता दे हुंदे पाका नाल दर्शन 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 इरादे रोज करता हूँ मगर फिर टूट जाते हैं। वो ही सत्संग में आते हैं जिन्हें सतगुरु बुलाते हैं। संता दे उन्दे पाका ना दर्शन संता दे उन्दे पाका ना दर्शन संता दे उन्दे पाका ना दर्शन संता दे। हम सोच रहे हैं कि हम महाराज जी के दरबार में आ गए हैं। नहीं गुरु प्रेमियों, ये चिट्ठियां तो गुरुदास महाराज जी ने पहले भेजी थी। ये संदेशे गुरुदास जी भेज चुके हैं तब जाके आज संतों के दर्शन हमको हो रहे हैं। संतु जीतन संगत प्राण 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 संत प्रेमाजे दीजे देवा देव 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 संत जी संगत संत कथा रस संत प्रेमाजे दीजे देवा देव संतु जीतन संगत प्राण सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। गुरु प्रेमियों, गुरुदास जी ने कहा कि संत लोग कहते हैं कि संत जी आ रहे हैं तो गुरुदास जी कहते हैं कि मेरे से देखो मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा संत नहीं आ रहे स्वयं परमात्मा चल के आ रहा है। गज के आंखों जय। आज सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी नहीं आ रहे हमारे बीच में, खुद परमात्मा की जोत आई। जोत निरंजनी विच दुनिया कर दी जग विच उपकार। देखो निरंजन का मतलब ही होता है जो माया से रहित हो। निरंजन जो माया से रहित हो जाए वही संत है। मेरे सतगुरु निरंजन दास महाराज जी आज आ रहे हैं और भी संतजन आ रहे हैं सबके सब खुद परमात्मा का रूप है। इसलिए गुरुदास जी ने कहा संतु जीतन सतगुरु प्राण संतु जीतन संगत प्राण सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। आज परमात्मा की संगत बैठी हुई है। ये परमात्मा के प्राण है।
और ये ज्ञान मुझे कैसा हुआ, कैसे मुझे पता चला, हाउ डिड आई रीच टू दैट कंक्लूजन दैट संत इज द फेस ऑफ ऑलमाइटी, कैसे मैं पहुंचा कि संत परमात्मा है, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने बताया, मेरे सतगुरु ने मुझे बताया कि संतों में और परमात्मा में जरा भी भेद नहीं है। संत तुझीतन संगत प्राण, संत जीतन संगत प्राण, संत तुझीतन संगत प्राण, संत जीतन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव, 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 जी दर्शन जी दर्शन जी दर्शन संता दे हो, हो, संता दे मुंदे पादा नाल, दर्शन संता दे संता दे मुंदे पादा नाल, दर्शन संता दे संता दे मुंदे पादा नाल, दर्शन संता दे संता दे मुंदे पादा नाल, दर्शन संता दे। गुरु प्रेमियों, एक परमात्मा का दीवाना सतगुरुओं की खोज में निकला, कहने लगा मैं अपने गुरु को ढूंढने जा रहा हूं। पिंड तो बाहर निकला, एक पिपल के नीचे एक साधु मिले और कहने लगा महाराज जी मैनू दसो मेरा गुरु कहो जा होएगा। कह रहे तेरे पास पेंसिल है? कह रहे हाँ जी। कागज है? हाँ जी। लो मैं तस्वीर बना देता हूं तेरे गुरु की। तस्वीर बना दी और उसने वो तस्वीर ही सोचा कि इसको देख के अपना गुरु ढूंढ लूंगा। वो पहला पंजाब दे विच घूमता रहा, पंजाब से फिर हरियाणा में आया, फिर उत्तर प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश में आया, सारे भारत में घूम लिया। घूमते घूमते 10 साल हो गए, लेकिन वो तस्वीर जिसे वो अपना गुरु समझता था वो नहीं मिली। 10 साल के बाद फिर हार के अपने गाँव आ रहा था, अपने पिंड वापस आ रहे थे तो देखा कि पिपल के बाहर वही बैठा है बंदा जिसने तस्वीर बनाई थी। कहने लगा मैं इसको पूछता हूं कि तुसी केहो जही तस्वीर बनाई, मैनू ये चेहरा कितने लंबा ही नहीं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जब वो 10 साल के बाद उस व्यक्ति के पास गया तो देखा कि सेम तस्वीर, जो तस्वीर थी वही उस गुरु की तस्वीर थी जिसे वो 10 साल से ढूंढ रहा था। कहने लगा महाराज जी जे तुसी ए तस्वीर मेरे गुरु दी बनाई सी, तुहानू पता सी तुहाडी तस्वीर आ, तुसी मैनू बार क्यों भेजिया? ते गुरु ने कहा तुझे भटकाना था, तुझे दुनिया के धक्के दिलाने थे, तुझे दुनिया में भ्रमण करवाना था ताकि तुझे गुरु की कदर हो। कई बार हमारे हाथ में हीरा होता है उसकी भी कदर नहीं होती, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी जब हीरा हाथ से चला जाता है फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। इसलिए आज संत मिले हैं तो ये भाग्यशाली हैं हम कि हमें संतों के आज दर्शन हो रहे हैं। संता दे हुंदे पागा नाल, दर्शन संता दे, संता दे हुंदे पागा नाल, दर्शन संता दे, संता दे हुंदे पागा नाल, दर्शन संता दे। संची संगत संत कथारस, संची संगत संत कथारस, संची संगत संत कथारस, संची संगत संत कथारस, संत प्रेम माझे दिजे देवा देव, संत प्रेम माझे दिजे देवा देव, दर्शन संता दे, संता दे हुंदे पागा नाल, दर्शन संता दे, संता दे हुंदे पागा नाल, दर्शन संता दे, संता दे हुंदे पागा नाल, दर्शन संता दे। संत आचरण संत चो मारग, 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 संच ओलग ओलगनी, संच ओलग ओलगनी, संच ओलग ओलगनी, संच ओलग ओलगनी, और एक मांगू
भगत चिंतामण और एक मांगू भगत चिंतामण और एक मांगू भगत चिंतामण और एक मांगू भगत चिंतामण जणी लखाओ असंत पापीसन जणी लखाओ असंत पापीसन जणी लखाओ असंत पापीसन जणी लखाओ असंत पापीसन। आदरणीय गुरु प्रेमियों सतगुरु रविदास जी फरमा रहे हैं संची संगत संत कथा रस संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। संतों की संगत मिल जाए संतों की संगत की कथा का जो रस मिल जाए संतों का प्रेम मुझे मिल जाए। गुरु प्रेमियों आज हम दरबार में आए हैं अपने मन की मनसा लेके अलग अलग प्रकार की इच्छाएं लेके लेकिन गुरुदास जी ने कहा कि संतों से संतों का प्रेम मांगा करो। तुमरे भजन कटे जम फासा भगत हेत गावे रविदासा तुमरे भजन कटे जम फासा भगत हेत गावे रविदासा। गुरुदास जी कहते हैं कि मैं क्यों आपकी पूजा कर रहा हूं मेरा क्या रीजन है मेरा सोल पर्पस मेरा एक ही वजह है जिस वजह से मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं सतगुरु जी क्योंकि मुझे तेरा प्यार चाहिए तेरी भक्ति है जो मुझे मिले तो मुझे सुकून आए। इसलिए गुरु प्रेमियों आज दरबार में बैठे हो संतों के दर्शन कर रहे हो संतों से संतों का प्रेम मांगना और एक मांगू भगत चिंतामण जणी लखाओ असंत पापी सन। संतों के बारे में गुरुदास जी ने कहा संत चरण संचो मार्ग संचोलक लगनी मुझे संतों का आचरण मिल जाए संतों वाला मार्ग मिल जाए और एक काम और मिल जाए कि मुझे जो दुष्टों की संगत है उसके सपने में भी दर्शन ना हो। फिर गुरुदास महाराज जी ने कहा रविदास पणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही रविदास पणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही। गुरुदास जी कहते हैं मैंने तो इतनी ही भर बात जानी है कि संतों में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गज के आखो जय तू ना मुझसे दूर था मैं ना तुझसे दूर था आता ना था नजर तो मेरी नजर का कसूर था ओ रब तैथों वखनी तेनु पाइयो देंदा दखनी तेरी वेखण वाली अख नहीं। जो संत है वो आंख ही देते हैं संत जो है वो हमें आंख देते हैं जो हमें अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखा देती है। गज के आखो इसलिए गुरुदास जी ने कहा रविदास पणे जो जाने सो जान 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 संत अनंत है अंतर नाही संत अनंत है अंतर नाही दर्शन 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 संता दे संता दे उंदे पाखनाण दर्शन संता दे उंदे पाखनाण दर्शन संता दे संता दे उंदे पाखनाण दर्शन संता दे उंदे पाखनाण दर्शन संता दे। बोले सो निर्भय शिव रविदास महाराज की एक जयकारा जरा सारा पंडाल गूंज जाना चाहिए। आज हम हदियाबाद फगवाड़ा में बैठे हैं जयकारे में कंजूसी नहीं करनी है अपने गुरु का उद्घोष करना है ताकि ये कायनात का जर्रा जर्रा इस धरा का जर्रा जर्रा गूंज जाए मेरे गुरुदास महाराज जी की एनर्जी से। बोले सो निर्भय शिव रविदास महाराज की शिव रविदास शक्ति शिव रविदास शक्ति शिव रविदास शक्ति।
हो पचरंगा मेरा चोला सुना दे सुना दे पचरंगा मेरा चोला सुना दे सुना दे झुरमुट खेलन जाती सखीरी मैं तो सखीरी मैं तो गिरधर के रंग राती सखीरी मैं तो सतगुरु के रंग सखीरी मैं तो सतगुर के रंग राती 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 मीरा भाई जी चित्तौड़ से चली काशी की ओर हाथों में पायल पहनी है सतगुरु के नाम के घुंघरू छन छन बजते हैं मीरा के घुंघरू छन छन बजते हैं मीरा के घुंघरू मीरा के घुंघरू संत मीराबाई जी के घुंघरू छन छन अनल हर का नाद बजा रहे हैं। तो किसी ने मीरा को कहा मीरा ये कहां जा रही हो हाथ में तुम्बा लेके ये पाँव में घुंघरू डाल के मीरा कहाँ जा रही है। तो मीरा ने कहा सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राती सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राती सखीरी मैं तो सतगुर के रंग राती सखीरी मैं तो सतगुर के रंग राती बचरंगा मेरा चोला समा दे पचरंगा मेरा चोला समा दे पंचरंगा मेरा चोला समा दे पचरंगा मेरा चोला समा दे झुरमट खेलन जाती सखीरी मैं तो सखीरी मैं तो सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राती सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राती सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राती झुरमट में मेरा साई मिलेगा 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 रिखोल डम्बर गाती सखीरी मैं तो सखीरी मैं तो सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राती सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राती सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग राती सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग आदरणीय गुरु प्रेमियों मीराबाई जी कह रही अपनी माँ को रीमा पचरंगा मेरा चोला समा दे मेरा चोला सिला दो पांच रंगों का यहाँ पांच रंगों का मतलब है पंच तत्व का झुरमुट खेलने जा रही सुनना जरा इसी वाणी के अंदर मीराबाई जी पहले कहते हैं गिरधर मीराबाई जो थी वो कृष्ण की दीवानी थी लेकिन इसी वाणी के अंत में मीराबाई की यात्रा सुनना कृष्ण से शुरू होके कैसे मेरे काशी वाले पे खत्म होती है गज के आंखों यही यात्रा है साकार से निराकार की फ्रॉम फेस टू फेसलेसनेस फ्रॉम एवरीथिंग टू नथिंगनेस यही यात्रा है
साकार से निराकार की, यही यात्रा है कुछ होने से कुछ ना होने की। फ्रेडरिक नीचे कहता है एवरीथिंग इज नथिंग, एक बहुत बड़ा विचार है। वो कहता है कि जिंदगी में जो मर्जी कर लो सब खत्म ही है, नथिंग है। लेकिन फिर संत कहते हैं नथिंग इज एवरीथिंग, कुछ नहीं है जिनके पास, वही फकीरों ने तनिया देना अमीरा दे, मेले लग दे फकीरा दे। जिनके पास कुछ नहीं उनके पास परमात्मा के नाम का खजाना होता है। झुरमुठ में मेरा साईं मिलेगा, झुरमुठ में मेरा साईं मिलेगा, झुरमुठ में मेरा साईं मिलेगा, झुरमुठ में मेरा साईं मिलेगा। जी खोलिया डंबर गाती सखीरी में तो, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। जिनके पिया परदेश बसत हैं, जिनके पिया परदेश बसत हैं, जिनके पिया परदेश बसत हैं, जिनके पिया परदेश बसत हैं। वो लिख लिख भेजे पाती सखीरी में तो, सखीरी में तो, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। मेरे पिया मोहे माही बसत हैं, मेरे पिया मोर माही बसत हैं, मेरे पिया मोर माही बसत हो, मेरे पिया मोर माही बसत हैं। कहूँ ना आती जाती हो, कहूँ ना आती जाती सखीरी में तो, सखीरी में तो, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। सुन के जरा, जिनके पिया परदेश बसत हैं, जिनके पिया परदेश में हो वो चिट्ठियां लिखते हैं, और चिट्ठी प्रियतम के पास पहुंच जाती है। लेकिन मीराबाई जी कहती है कि मेरा प्रीतम तो मेरे अंदर है, अब मेरे को चिट्ठी लिखनी है, उसका एड्रेस मेरे को पता है, लेकिन कैसे भेजूं? जिनके पिया परदेश बसत हैं, जिनके पिया परदेश बसत हैं, वो लिख लिख भेजे पाती, वो लिख लिख भेजे पाती, सखीरी में तो, सखीरी में तो, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। का मथुरा का काशी का द्वारका हरिद्वार, रविदास खो जा दिल अपना तो मिलया दिलदार। मीराबाई अपने प्रीतम को ढूंढ रहे हैं, उधर बनारस में गुरुदास जी कह रहे हैं कि क्या मथुरा क्या काशी का द्वारका हरिद्वार, मीरा तू काशी मथुरा तो घूम ली, अपने दिल के अंदर जाके ना देखा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, थोड़ी सी तो जगह बना उसको बिठाने के लिए। आज हम सब यहाँ सत्संग में बैठे हैं क्योंकि हमारा दिल भरा हुआ है, अंदर से बहुत सा कूड़ा करकट है, उसके अंदर विचारों का कूड़ा करकट है, इच्छाओं का कूड़ा करकट है। संत जन सत्संग सुना रहे हैं और वो झाड़ू लग रही है, ये झाड़ू लग के अंदर के मन को साफ करती है। तो मीरा को भी गुरुविदार जी मिले तो उसके मन में झाड़ू लगी। तो मीरा कह रही कि मेरे पिया मोह माहे बसत हैं, कहूं ना आती जाती। मेरे पिया तो कहीं, उनका तो वीजा भी नहीं लगा हुआ, वो ना तो कनाडा रहते हैं ना अमेरिका रहते हैं। मेरे
जो पिया है वो तो मेरे अंदर बसे हुए हैं। मेरे पिया मो माही बसत हैं, मेरे पिया मो माही बसत हैं। कहो नाती जाती सखीरी मैं तो, सखीरी मैं तो, सखीरी मैं तो गिरधर के रंग राती। सखीरी मैं तो गिरधर के रंग राती, सखीरी मैं तो गिरधर के रंग राती। हाँ प्रेमवती का दिला संजोले, प्रेमवती का दिला संजोले। मनसा की कर बाती हो, हो, हो मनसा की कर बाती। सखीरी मैं तो, सखीरी मैं तो गिरधर के रंग राती। सखीरी मैं तो गिरधर के रंग राती, सखीरी मैं तो गिरधर के रंग राती। हाँ सुरत निरत का दिया जला ले, सुरत निरत का दिया जला ले, सुरत निरत का दिया जला ले, सुरत निरत का दिया जला ले। जला करे दिन राती हो, 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 हो जला करे दिन राती। सखीरी में तो, सखीरी में तो, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। प्रेमवती का दिवला संजोले, रोज दिए जलाते हैं हम, लेकिन मीराबाई जी कह रही हैं कि जो दिया है अगर वो सजाना है तो प्रेम का तेल उसमें लगाओ, नाम की बत्ती लगाओ और प्रेम का तेल होगा तो ऐसा दिया जलेगा जिसके बारे में गुरुदास जी ने कहा, नाम तेरे की जोत लगाई पयोज यारो पवन सगलारे। एक बार वो दिया जला तो फिर अंदर का अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, फिर वो अंधकार में भटकना नहीं है। इसलिए संत मीराबाई जी अपनी वाणी को कैसे साकार से निराकार की तरफ लेके जा रही है, सुनो जरा। शुरुआत की थी कि मेरा चोला समा दे और समाप्ति देखना कहां पे हो रही है। पिहर बसू ना बसू सासरे, पिहर बसू ना बसू सासरे, पिहर बसू ना बसू सासरे, पिहर बसू ना बसू सासरे। सतगुरु शब्द संगाती हो, 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 हो सतगुरु शब्द संगाती। सखीरी में तो, सखीरी में तो, सखीरी में तो सतगुरु के रंग राती। सखीरी में तो सतगुरु के रंग राती, सखीरी में तो सतगुरु के रंग राती। मीराबाई जी कह रही हैं पिहर बसू ना बसू सासरे, ना पिया के घर बसती हूँ ना अपने ससुराल में बसती हूँ, कहीं पे भी दिल नहीं लगता। हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हमारे घरों में अच्छे अच्छे मकान हमारे गुरुदास जी की वजह से आ गए, लेकिन मन को सुकून तभी मिलेगा जब गुरुदास महाराज जी के नाम का ओट आसरा हमारे दिल में होगा। पिहर बसूना बसू सासरे, सतगुरु शब्द संगाती। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, हो ना घर तेरा ना घर मेरा। मेरा हर रंग राती हो, 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 हो मेरा हर रंग राती। सखीरी में तो, सखीरी में तो, सखीरी में तो सतगुरु के रंग राती। सखीरी में तो सतगुरु के रंग राती, सखीरी में तो सतगुरु के रंग राती, सखीरी में तो सतगुरु के रंग राती, सखीरी में तो सतगुरु के रंग राती। हो हो बोले सो निर्भय सूरदास महाराज की जय, बोले सो निर्भय शिव रविदास महाराज की। आदरणीय गुरु प्रेमियों, हमारे बीच में हमारी कौम के कोहिनूर संत
सगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी डेरा श्री सुवार संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला के वर्तमान संचालक पहुंच चुके हैं और सारी संगत महाराज जी के दर स्पर्श कर रहे हैं। तो आओ जी, द्वार दसमें दा खोल देंदे ताड़ा, द्वार दसमें दा खोल देंदे ताड़ा, है कुंजी हाथ साधुआं दे, ओ है कुंजी हाथ साधुआं दे, द्वार दसमें दा खोल देंदे ताड़ा, द्वार दसमें दा खोल देंदे ताड़ा, है कुंजी हाथ साधुआं दे, कुंजी हाथ साधुआं दे, है कुंजी हाथ साधुआं दे, है कुंजी हाथ साधुआं दे, रवि साधुआं दे ना दी फेर माला, रवि साधुआं दे ना दी फेर माला, है कुंजी हाथ साधुआं दे, है कुंजी हाथ साधुआं दे, है कुंजी हाथ साधुआं साधुआं। जिथे साधु बैठ जांदे मार के समाधियां, जिथे साधु बैठ जांदे मार के समाधियां, ओथे नस जांदियां ने सारियां उपाधियां, 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 हुंदा जग नालों वखरा ही चाला, हुंदा जग नालों वखरा ही चाला, है कुंजी हथ साधुआं दे, है कुंजी हथ साधुआं दे, है कुंजी हथ साधुआं दे, रब ते साधुआं च भेद जापे कोई ना, रब ते साधुआं च भेद जापे कोई ना, साधुआं दे निंदकां नूं मिले किते टोई ना, साधुआं दे निंदकां नूं मिले किते टोई ना। आज हम सब सगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। संगत की आंख के तारे सतगुरु प्यारे, संगत की आंख के तारे सतगुरु प्यारे, संगत की आंख के तारे सतगुरु प्यारे, स्वामी निरंजन दास जी मेरी, स्वामी निरंजन दास जी मेरी, नहीं आखे वही और किनारे, नहीं आखे सगुर स्वामी निरंजन दास जी हमारे बीच में बैठे हैं। हमारी नैया भी महाराज जी हैं, उस नैया को चलाने वाले खवैया भी सतगुरु निरंजन दास महाराज जी हैं, और किनारे ले जाने वाला जो किनारा वो भी सतगुरु निरंजन दास महाराज जी हैं। रब ते साधुआं च भेद जापे कोई ना, रब ते साधुआं च भेद जापे कोई ना, साधुआं दे नींद कानू मिले किते टोई ना, साधुआं दे नींद कानू मिले किते टोई ना, हुंदा निंदकां दा सदा मुंह काला, हुंदा निंदकां दा सदा मुंह काला, है कुंजी हथ साधुआं दे, है कुंजी हथ साधुआं दे, है कुंजी हथ साधुआं दे, जी ने कहा निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रकट पहारा, निंदक सोध साध विचारिया, कोहरवदास पापी नरक सधारिया, जो संतों की निंदा करता है
गुरुदास जी कहते हैं मैंने उस पर पीएचडी कर रखी है कि उसने तो फिर नरक में जाना ही जाना है। गज के आखो जय रब साधु आंदा साधु रब दे दीवाने ने रब साधु आंदा साधु रब दे दीवाने ने भगत राम दीवाना जी जो डेरा सचखंड बल्ला के कवि थे वो इस रचना में कह रहे हैं क्या रब साधु आंदा साधु रब दे दीवाने ने रब साधु आंदा साधु रब दे दीवाने ने साधुआं दे परे राम नाम दे खजाने ने साधुआं दे परे राम नाम दे खजाने ने हुंदा देख भगवाने निराला हुंदा देख भगवाने निराला है कुंजी हथ साधुआं दे है कुंजी हथ साधुआं दे जी कुंजी हथ साधुआं दे है कुंजी हथ साधुआं दे है कुंजी हथ साधुआं आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी इतनी हाजिरी कबूल करना। सगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनके पास वो मास्टर की है जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर के दरवाजे सारे खोल सकती है। तो गुरु प्रेमियों सगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी के दर्शन करने हैं और संतों के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाना है जी। और रब साधु आंदा साधु रब दे दीवाने ने साधु आंदे भरे राम नाम दे खजाने ने सगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी के खजाने राम नाम से भरे हैं। तो आओ इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय संतां दी। सगुरु महाराज जी आपके जीवन को रोशनी से भरपूर करें। सतनाम सत साहिब।